मिस्टर शर्मा, क्या बात, आप तीसरी खुशी लेके आए। क्या बात है, बोलिए। डॉक्टर, मैंने स्पिरिट टेस्ट करवाया, मेरे पास दो लड़की पहले हैं, अब फिर तीसरी लड़की बताइए डॉक्टर ने। टेस्ट करवाना गैर कानूनी है, किस बेवकूफ डॉक्टर ने करवाया है? आपको और उस डॉक्टर को, दोनों को सजा हो सकती है। डॉक्टर साहब, मेरी और मुसीबतें मत बढ़ाइए, मेरे पास पहले बहुत टेंशन में हूँ, दो लड़की पहले है, तीसरी अब बता रही, मेरे को बहुत टेंशन हैगी, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। डॉक्टर आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं तीसरी बेटी रखना नहीं चाहती, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं तीसरी बेटी नहीं रखना चाहती, मेरी बहुत बड़ी मुसीबत है। लानत है तुम जैसी औरतों को, अगर तुम्हारी माँ ने ये बात सोची होती तो तुम आज पैदा ना होती। तुम्हारे पेट में जो नन्ही जिंदगी पल रही है उसे पूरा हक है जिंदगी जीने का। डॉक्टर आपके लिए कहना आसान है, जिनकी बेटियां होती है ना उनको पता होता है उनको क्या दुख है। मेरी माँ की 5 बेटियां थी और सबसे छोटी मैं हूँ। मेरे माँ बाप ने हमें लड़कों की तरह पाला है और हमें इस मुकाम तक पहुँचा दिया। डॉक्टर अगर आप अबॉर्शन नहीं कर सकते तो मैं किसी और से करवा लूंगी। पैसे लेकर अबॉर्शन करने वाले आपको बहुत शैतान मिल जाएंगे, पर कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। डॉक्टर मैं आपको मुमा की कीमत दूंगी, पैसे लेकर जो जमीर भेज देते हैं मैं उन डॉक्टर में से नहीं हूँ। माँ तुम यहाँ अचानक? मुझे माँ मत कहो, माँ कहने के लायक नहीं हो तुम। माँ ऐसा क्या हुआ है? मैं क्या सुन रही हूँ, आप अबॉर्शन कराने के बारे में सोच रही हो? अच्छा होता अगर मैं अबॉर्शन करवा लेती तो तेरे जैसी नलायक औलाद पैदा ना होती। मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी बेटी हो। मिसेस शर्मा, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, मैं देख लेती हूँ अभी आपको लिंक, उसको जरूर देखना। ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का बीड़ा गुरुजी ने सन 1991 से उठा रखा है। आप अपने आप को मर्द कहलाते हो, अरे लान देसी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से अपनी बेटी के टुकड़े करवाते हैं। अरे मां, मां का रुतबा बहुत बड़ा है, हमारे धर्मों में मां को भगवान का रूप कहा जाता है, बहुत बड़ा रुतबा है। पर जो मां अपनी बेटी को अपने गर्भ में मारती है, धर्मों में मां या भगवान नहीं, उसे बेरहम डायन कहा जाता है, लान देसी माता पे। अगर आपके बेटियां ज्यादा हैं, आप कहते कि जी हमारे तो हम तो पाल पोस नहीं सकेंगे, तो बेटी आप हमें दे दें, वहां हमने शाही बेटियां बसेरा ऐसा एक घर बनाया है जिसमें हमारे पास 20 बेटियां आ चुकी हैं। शाही बेटियां बसेरा में आज 20 बच्चियां रहती हैं, जिनमें से कोई झाड़ियों में मिली तो कोई कचरे के ढेर पर। इन नवजात बच्चियों को भी गुरु जी ने ही अपनाया है और इन्हें बाप की जगह अपना नाम दिया है। गुरुजी के ये कार्य देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि आज किसके दिल में इतना दर्द है, झाड़ियों में पड़ी बच्चियों को अपनी बेटियां बना ले। डॉक्टर मुझे नहीं पता था कि दुनिया में ऐसे भी संत हैं जिन्होंने इतनी लड़कियों को बेटी बना के पाला हुआ है। मिसेस शर्मा, अगर आप लड़की नहीं रखना चाहते तो प्लीज अबॉर्शन मत करवाए, बल्कि आप उस लड़की को डेरा सच्चा सौदा को सौंप दीजिए। नहीं, गुरुजी ने कहा है माँ को सभी धर्मों में भगवान का दर्जा दिया है, जो माँ ऐसा पाप करती है वो डैन के बराबर है, और मैं डैन नहीं बनना चाहती, मैं अपनी बच्ची को इस दुनिया में लेके आऊंगी।
और मैं खुद उसको पालन पोषण अपना खुद करूंगी उसका। मैं उसको लड़के को बराबर दर्जा दूंगी, वो मेरा नाम रोशन करेगी।